नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज्यसभा चुनावों की गिनती जारी है और उत्तर प्रदेश में 10वीं सीट को लेकर घमासान भी, इंतजार भी और सस्पेंस भी, क्योंकि वोटों की गिनती से अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि 10वीं जगह पर 8 तो बीजेपी के आराम से निकल रहे हैं राज्यसभा सांसद, 1 समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन के लिए। लेकिन जो 10वां उम्मीदवार जीतेगा, राज्यसभा पहुंचेगा यूपी से, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। यूपी में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, झारखंड में भी माना जा रहा है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के एक विधायक ने वोटों की गिनती के बाद वोट एजेंट को अपना वोट नहीं दिखाया था, जिसको लेकर शिकायत हुई। लेकिन वहां भी गिनती शुरू हो गई है और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। कुल मिलाकर 8 तो आराम से राज्यसभा सांसद बन रहे हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, और इसी के साथ पहली बार एनडीए राज्यसभा में 90 का आंकड़ा छुएगा और 68 का आंकड़ा बीजेपी। 9वां उनका उम्मीदवार जीतेगा या नहीं, इस पर रहेगी नजर। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कुमार अभिषेक, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सुबह से शाम हो गई, वोटों की गिनती हो रही है, सवाल यही है कि वो 10वां कौन उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा पहुंचेगा। बिल्कुल अंजना, सुबह से शाम हो चुकी है और बहुत ही हाई ड्रामा यहाँ हमें दिखाई दिया। जैसे ही 5 बजे ये गिनती शुरू होने की बात आई, बकायदा इसके खिलाफ कंप्लेन किए गए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कंप्लेन किया। अब जाकर के परमिशन आई है और अब बक्से खुले हैं और काउंटिंग शुरू हुई है। कुछ देर बाद हमें पहला नतीजा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 10 से 20 मिनट के भीतर पहला नतीजा आ सकता है, और पहला नतीजा हो सकता है कि अरुण जेटली का आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुनील साजन, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिन भर ये भी लगातार नजरें बनाए रखे हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने कंप्लेन किया, क्यों आप लोगों को कंप्लेन करना पड़ा, और कई क्रॉस वोटिंग हुए हैं, आप लोगों ने भी कई क्रॉस वोटिंग कराए हैं, जो हमारी जानकारी है सोर्सेज से कि 2 लोग एनडीए की तरफ से आपको उन्होंने वोट किया है। नहीं, इस पूरे चुनाव को अगर आप समझेंगे तो राज्यसभा के चुनाव में जो विधायक वोट करने जाता है उसको कंपलसरी ये होता है कि वो अपने पार्टी के, जिस पार्टी के सिंबल से वो चुनाव जीत के आया है, उस पार्टी का जो एजेंट होगा उसको वोट दिखाना ही दिखाना होता है। वो पार्टी को वोट दे रहा है या क्रॉस कर रहा है, दोनों परिस्थितियों में उसको वोट दिखाना होता है। समाजवादी पार्टी के नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के एजेंट को वोट नहीं दिखाया, और बहुजन समाज पार्टी के अनिल सिंह ने अपने बहुजन समाज पार्टी के जो एजेंट थे उनको वोट नहीं दिखाया था। उसकी एप्लीकेशन थी, वो शिकायत थी, वो निर्वाचन आयोग को गई। एक वोट फाड़ने की भी काफी प्रकरण सामने आया है कि सुहेल देव पार्टी के राजभर के, सुहेल देव पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने वोट दिया और बीजेपी के एजेंट ने वोट फाड़ दिया, उनका बैलेट फाड़ दिया, लेकिन उसके बाद दूसरा बैलेट उनको अलाट हुआ और उन्होंने वोट कंप्लेन भी की गई है। नहीं, उसकी उन्होंने कंप्लेन की है। ये बताइए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस जीत को लेकर के, क्योंकि अब बहुत कांटे का मामला दिख रहा है, क्योंकि कई क्रॉस वोटिंग हो चुकी। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस चुनाव में अपना रूप दिखाया है और लगातार जिस तरीके की गणित की बात कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी 15-20 मिनट में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 1 घंटे तब बीतेगा जब भारतीय जनता पार्टी को अपने गणित पर उनको अफसोस होगा कि हमारी गणित फेल हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती जया बच्चन और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर दोनों लोग चुनाव जीतेंगे। अगर बीजेपी दावा कर रही है कि वो जीतने जा रही है, क्योंकि आपके लोगों ने भी या आपके सहयोगियों ने भी क्रॉस वोटिंग किया है। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी की एक परंपरा है कि जो वो वादा करते हैं बाद में जुमला हो जाता है। आज भी जो उनका वादा है 1 घंटे में जुमले में बदल जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, पक्का। अभिषेक, एक मेरा सवाल है इनसे, जरूर पूछिएगा अभिषेक, हो सकता है। अभिषेक, एक मेरा सवाल है इनसे, पूछिए जरा। आज सुबह सुबह आप ही ने बातचीत की थी शिवपाल यादव, शिवपाल यादव दावा कर रहे थे कि ऐसा ना सोचे बीजेपी, अगर इधर से क्रॉस वोटिंग होगी तो उधर से भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, एक तरह से धमकी दी थी। तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को धूल चाटनी पड़ेगी और बीजेपी नाकाम रहेगी, तो क्या इन्होंने भी कुछ ऐसा सहारा लिया है जिसकी वजह से, क्योंकि बीएसपी के उम्मीदवार के लिए पूरे वोट तो नहीं थे, इनको भी उसी का सहारा लेना पड़ा क्या?
देखिए अंजना ओम कश्यप जी का सवाल है आपके लिए कि सुबह सुबह हमारी ही बातचीत में शिवपाल यादव जी ने कहा कि अगर हमारे तरफ से क्रॉस होता है तो उनके तरफ से भी क्रॉस वोटिंग होगी, और आपके पास नंबर भी पूरे नहीं थे, तो क्या प्री प्लान्ड था आपका? आप लोग दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, आप लोग खुद भी कटघरे में हैं क्योंकि आप लोगों ने भी प्लान कर रखा था क्रॉस वोटिंग? देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति में और युद्ध में आप चुनाव जीतते कैसे हैं, युद्ध कैसे जीतते हैं, ये आपकी रणनीति का हिस्सा होता है। आप कैसे जीते मुझे लगता है नहीं, सब जायज है, सही गलत सब जायज है। नहीं मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत बीजेपी ने की है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीत ही धर्म है। ठीक है, देखिए अंजना साफ तौर पर सब जायज है युद्ध में, इनका यही कहना है, लेकिन अब इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मोरालिटी की बात तो कम से कम नहीं ही की जा सकती है, चाहे कोई भी दल हो। ठीक है, साम दाम दंड भेद, और इसको बोलने से किसी को अब कोई परहेज नहीं बचा हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी। नहीं एक सेकंड, लेकिन क्या शुरुआती झटका ये है बीएसपी और एसपी के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने माना है वोट अनिल सिंह का भी और नितिन अग्रवाल का भी? जी बिल्कुल, झटका तो है ही, क्योंकि जब तक जैसे गुजरात में क्योंकि कुछ वोट कैंसिल हुए उसकी वजह से अहमद पटेल निकल आए, लेकिन बड़ा सवाल यह आ रहा है अंजना जी इस समय कि आप जिस तरह से मिनट टू मिनट कर रहे राज्यसभा चुनाव की विश्लेषण कर रहे, ये अपने आप में एक नई बात है, क्योंकि कल तक जब भी राज्यसभा पोल होते थे कभी कभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो था उसके लिए क्रॉस वोटिंग होती थी, लेकिन किसी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए इस तरह की क्रॉस वोटिंग होती है, लास्ट मिनट तक एक पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह आप लोगों के सामने लाते हैं। राजा भैया कुछ सुबह कहते हैं शाम तक उनका मन शायद बदल जाता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। सस्पेंस बना हुआ अभी भी राजा भैया, बिल्कुल आपने अगस्त सुबह में अखिलेश कर रहे थे मायावती को, हालांकि नकार दिया उन्होंने कि पोटा मायावती ने एक वक्त पर उनका लगाया था, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, अभी अटकलें शुरू हो गई हैं। और जो आपने अभी कहा कि सुबह कहा गया था कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग करवाएगी, लेकिन दिन में यह भी पता चला कि समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि क्रॉस वोटिंग हो। क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में कब होती थी? जब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या तो वो बाहुबली था या उसके पास बहुत धन था, उस धन के ताकत पर वो क्रॉस वोटिंग करवाते थे। अब क्या हुआ कि पार्टी सिस्टम ही टूट रहा है और बीजेपी जिस ताकत से राज्यसभा चुनाव भी लड़ती है, लगता है वही जोर जो लोकसभा में लगाती है या विधानसभा में आज राज्यसभा में भी लगा रही है। नेताओं ने आज क्या कहा है? ठीक है, ये दिलचस्प है, इनका ये कहना है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की सरगर्मी आप देख रहे हैं, क्रॉस वोटिंग देख रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। आज लेकिन नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए, दावे किए इन्हीं राज्यसभा चुनावों पर, आइए एक बार पहले सुन लेते हैं। अखिलेश जी के साथ हैं, बीएसपी को क्यों नहीं? हमारा पुराना विरोध है बसपा से, हम जिनके साथ हैं हम बता रहे हैं आपको, है ना, जिनके साथ नहीं है ये भी हम बता रहे हैं, तो हमारा तो स्पष्ट एजेंडा है। जिनके साथ नहीं है आप चाहेंगे कि वो जीते? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं महाराज जी के साथ हूँ, डील ये हुई कि स्वच्छ हमारा प्रदेश रहेगा और ईमानदार लोग इस पूरे देश को चलाएं, बस यही मेरा डील। मिला सर, आपने दिया है हमको, हमको हमको खुशी मिली, खुशी से बढ़कर धन दौलत तो है नहीं। हमारे नौ उम्मीदवार इसी विश्वास से खड़े किए गए हैं कि वो जीतेंगे, और सबसे अधिक नंबर हमारे पास थे, 28 अतिरिक्त मत हमारे पास थे, निर्दलियों का हमें समर्थन है, और उस समर्थन के बूते हमारे जो नौ प्रत्याशी 9 के 9 जीत रहे हैं। सपा बसपा ने तो जबरदस्ती एक तरह से विवाद खड़ा करने का काम किया है, जो दूसरा प्रत्याशी लाने का काम किया है, लेकिन वो हताश और निराश हैं आज। नतीजे दोनों हमारे अच्छे आएंगे, समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे कुछ भी करे, लेकिन हमारे जो भी विधायक हैं सभी वोट करेंगे, हमारा कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्रॉसिंग तो दोनों तरफ से हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। तो दावा ये जरूर कर रहे थे शिवपाल यादव कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, और इधर होगी तो उधर भी होगी, लेकिन इन सब के बीच क्या से क्या हो गया है, परिस्थिति सामने आ रही है। नितिन अग्रवाल ने अपना वोट नहीं दिखाया वोट एजेंट को, हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी जो वोट है उसको मान्य माना है। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि पहले तो मैं एक बार जल्दी से कुमार अभिषेक के पास जाना चाहती हूँ। अभिषेक, आप कह रहे थे 4-5 मिनट में रिजल्ट आएगा, आया क्या, कोई अपडेट है वहां से, कोई नतीजा? नहीं,
नहीं, अभी मेरे पास नतीजे का कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा हम बताएंगे। हालांकि इस वक्त मैं लाइव पर खड़ा हूं, मुझे लगता है कि कुछ वक्त और लगेगा जब ये रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अरुण जेटली से लेकर इधर जया बच्चन और बीजेपी के सिर्फ अगर हम बात करें तो अरुण जेटली से लेकर अशोक वाजपेयी, विजयपाल सिंह तोमर, सकलदीप राजभर, कांता करदम, अनिल जैन, हरनाथ सिंह यादव, जीवीएल नरसिम्हा राव जिनको आप टीवी पे खूब सुनते हैं, अनिल बलूनी जो कि अनिल कुमार अग्रवाल माफ कीजिएगा जो जिसको आप सुनते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर अब हम दोनों तरीके से देखें तो दोनों के लिए ये माइट का भी टेस्ट है, यानी शक्ति का भी एक तरह से परीक्षण है। एक तरफ बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, छोटे और भी दल आना, आरएलडी, सबका इकट्ठा आना ताकि बीएसपी के कैंडिडेट को हम जिता दें, और इधर बीजेपी जो कि कह रही है कि हम सत्ता में हैं, हम कुछ लोगों को इधर खींच लेंगे। अंजना जी, 7 महीने पहले इसी तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई गुजरात में हुई, वो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर थी, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ अहमद पटेल, कांटे की टक्कर, क्योंकि दोनों के बीच में जो एक तरह से एक बदले की भावना को लेकर वो चुनाव लड़ा गया। इस बार बदले की भावना से नहीं है, इस बार एक ऐसी स्थिति बन गई है, खास करके फूलपुर और गोरखपुर में जो हुआ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी को हार खानी पड़ी, उसके बाद एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, खास करके क्योंकि उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा 2019 में भी कि किसकी सरकार देश में बनती है। तो आज की तारीख में अगर आज राज्यसभा पर भी तो नजर है सर, 90 पहली बार एनडीए के उम्मीदवार हो जाएंगे राज्यसभा में, राज्यसभा सांसद एनडीए के 90 और 68 हो जाएंगे बीजेपी के, जो उनके सेफ सीट्स हैं उसके साथ। लेकिन फिर भी 2019 तक बीजेपी एनडीए को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही राज्यसभा में, ये लड़ाई है, क्योंकि आज अगर समाजवादी पार्टी बसपा जीतती है तो मायावती और अखिलेश के बीच में जो एक तरह से जो एक अलायंस बन रहा है, गठबंधन बन रहा है, वो और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि मायावती को लगेगा वाकई समाजवादी पार्टी ने पुरानी दुश्मनी छोड़कर एक बुआ भतीजे की जो रिलेशन तोहफा तो लेकिन पहले ही अभिषेक, एक तोहफा तो पहले ही अखिलेश ने दे दिया है भतीजे के रूप में, जो उन्होंने कहा कि जो सेफ आपके सबसे सेफ लोग हैं 10 जो कि बीएसपी को वोट देंगे पहले प्रेफरेंस में, आप वो मुझे दे दीजिए, यानी जया बच्चन के ही मामले में थोड़ा मोड़ा रिस्क ले लिया। नहीं, पर अखिलेश ये अपने आप में बड़ी बात है ना। अखिलेश, अभिषेक, बिल्कुल 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 अंजना, ये एक तरीके का उन्होंने अपना धर्म निभाया है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर रिस्क जरूर लिया है। 35 विधायक इन्होंने अलॉट किए थे समाजवादी पार्टी को, और उसके बाद 2 विधायक इंडिपेंडेंट थे जो उन्होंने अपने कोटे में रखे थे। हालांकि सोर्सेज से जो हमें मालूम चला है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपना सेफ रखा हुआ था, चाहे हारे या जीते, मायावती के लिए जो सबसे सेफ विधायक हो सकते थे वो उन्हें दिए गए। ऐसी स्थिति में बसपा के पास ये मौका बिल्कुल नहीं होगा ये कहने का कि आपकी वजह से हारे। अगर कोई क्रॉस वोटिंग हुई है तो वो बीएसपी में हुई है, अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो दूसरे दलों में होगी। समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट दिए थे उनमें कोई वोटिंग क्रॉस वोटिंग नहीं दिखाई दे रही है। हम इस पर एक सवाल इनसे ले भी लेते हैं, ये बताइए कि आप लोगों ने इतना सेफ रखने की क्यों कोशिश की? लगता था कि अगर किसी तरह का आप लोगों ने निश्चिंतता नहीं दी तो आपकी गठबंधन को नुकसान। लेकिन अभिषेक, नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे ने तो क्रॉस वोटिंग की ना। गठबंधन इस अंजना, देखिए नितिन अग्रवाल ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट देने थे, जो अपने विधायक देने थे, वो ऐसे 10 नाम थे, जिसमें आप राम गोविंद चौधरी का नाम जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया है। ये साफ है कि जिस तरीके से मायावती ने एक दिन पहले वो लिस्ट मांगी थी और अखिलेश यादव ने वो लिस्ट सौंपी थी, गठबंधन को लेकर के इस जीत और हार का कोई फर्क गठबंधन पर नहीं पड़ना चाहिए। अभिषेक, बहुत सारे सवाल हैं दरअसल यहाँ से, क्योंकि अभी हर कोई जानना चाह रहा है, हर सेकंड पे सस्पेंस। राजा भैया, देखिए राजा भैया आए, उन्होंने वोट दिया, उन्होंने जो कहा था बाद में भी उन्होंने कहा कि मैंने वही कहा है, हालांकि जैसे ही उन्होंने वोट डाला है उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। लेकिन एक सवाल जरूर उनके साथ है कि उनके साथ एक वोट नहीं 2 वोट माना जाता है, और दूसरे जो विधायक हैं विनोद सरोज जो कि इंडिपेंडेंट हैं वो भी उनके साथ आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राजा भैया ने अपना वादा निभाया है तो क्या उनके साथ चल रहे जो इंडिपेंडेंट है क्या उन्होंने वोट किया है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि सोर्सेस की बात अगर हम करें जो हमारे हिसाब से शायद वो वोट क्रॉस हुआ
हुआ है, लेकिन हमारे साथ अभी मौजूद है, मैं पूछता हूँ कि राजा भैया का दोनों वोट आपको मिला है? नहीं, बिल्कुल दोनों वोट मिला है। कहा जा रहा है कि राजा भैया उसके बाद मिले हैं योगी आदित्यनाथ से, और उनके साथ जो आए थे विनोद सरोज, उन पर आप कितना भरोसा करें? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि ये माना जाता है कि राजा भैया के साथ वो एक वोट उनका है, और राजनीति में कौन किससे मिलता है किससे नहीं मिलता इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं दिया हो वोट तो? किसने किसको वोट दिया है ये फर्क पड़ता है। नहीं दिया हो वोट तो मुझे लगता है कि राजा भैया को जितना लोग जानते हैं, उन्होंने अगर जबान दे दी है तो वोट जबान से बहुत छोटी है, वोट जरूर उन्होंने दी होगी। अंजना देखिए, पूरा भरोसा है इन लोगों को कि उन्होंने दी होगी, और बकायदा उन्होंने कहा भी है, लेकिन फिर भी वही सवाल है, दसवें सदस्य को लेकर तस्वीर लगभग वैसे ही रहेगी दोनों खेमे में जैसा आपके और संजय शर्मा के बीच है। देखिए, जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तो संजय शर्मा गढ़ में मौजूद थे, और ऐसी वहां पर सुगबुगाहट थी कि हर पल हम चुनाव आयोग से ही लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन अभी संजय के पास जाने में जरा सा वक्त रहेगा, वो बस इंतजार कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। 10 सीटें जो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से जाएंगी, 10वीं को लेकर पेच है। कुछ बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा को लेकर जो हम आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो रहे हैं, थोड़ी देर में ही यूपी का नतीजा आएगा। लखनऊ में राज्यसभा वोटों की गिनती जारी है, और 10वीं सीट को लेकर यूपी में पेच फंसा हुआ है। देखिए, 8 राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी के आराम से निकाल लेंगे, 1 समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन आराम से जीत रही है, ये 9वां उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारा है, और ये जो 1 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारा है, इनके पास पूरे विधायक नहीं थे 37, लेकिन फिर भी उतारा क्योंकि इनको भरोसा है कि जोड़ तोड़ से इधर उधर से करके हम जीत जाएंगे। और यही वो खेल है जिसमें लोकतंत्र फंसा हुआ है, राज्यसभा का फैसला फंसा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, अरुण जेटली से लेकर जया बच्चन, सबकी तकदीर का फैसला आपसे कुछ ही देर में आने वाला है। अनिल जैन भी हैं इनमें शामिल, जीवीएल नरसिम्हा राव भी शामिल हैं, अनिल कुमार अग्रवाल भी शामिल हैं। तो यूपी के राज्यसभा रण पर है हमारी नजर, नतीजा बस आने वाला है, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।